मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। मैं आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और मैं देशवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं इस चीज़ के लिए कि जब 26 जनवरी मनाया जाता है तो इसकी पृष्ठभूमि पर जाए अगर हम तो 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। 26 जनवरी के दिन सन 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। उसी थीम के ऊपर बाबा साहब ने संविधान को बनाया और 26 जनवरी 26 नवंबर 1949 को इसको संविधान सभा को प्रेषित किया था, लेकिन इसको अमल में 26 जनवरी 1950 को लाया गया। इसलिए हम 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस दोनों हमारे देश के मुख्य पर्व हैं। स्वतंत्रता दिवस पर हम शहीदों को नमन करते हैं, उनको याद करते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि 26 जनवरी जिस व्यक्ति की वजह से मनाया जाता है, जिस व्यक्ति ने 2 साल और 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद में इस संविधान को तैयार किया, उस व्यक्ति को लोग भूल जाते हैं। अक्सर देखा गया है, मैं बहुत सारे फंक्शंस में जाता हूं तो देखता हूं कि लोग बाबा साहब की फोटो वहां लगाते नहीं है। तो मैं कहता हूं इस बात को खुले मन से कि जिस व्यक्ति की वजह से हमें गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार मिला है या सौभाग्य मिला है या अवसर मिला है, हमें कम से कम उस संविधान के निर्माता को याद करना चाहिए। तो मैं सर्वप्रथम बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं और सभी देशवासियों से आह्वान करता हूं कि बिना किसी राजनीति के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के, हमें उस भारतीय संविधान के शिल्पकार को 26 जनवरी को जरूर नमन करना चाहिए। आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए सभी को साधुवाद, जय भीम नमो बुद्धाय। मैं रमेश चंद वर्मा, विकास अधिकारी, भारतीय जीवन बीमा निगम, भरतपुर।